स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, आप लोग के काफ़ी कमेंट्स और डाउट्स को लेकर के आज ये वीडियो में बना रहा हूँ। और अभी जो सबसे ज़्यादा मेरे को जो कमेंट्स आ रहे हैं वो रेडियो ऑपरेटर और लाइनमैन वाले जितने भाई हैं मेरे, काफ़ी कंफ्यूज है कि सर रेडियो ऑपरेटर के ऊपर सर एक ट्रेड टेस्ट के ऊपर एक वीडियो लाओ, सर क्या क्वेश्चन पूछेगा, सर लास्ट ईयर जो कि आपने मतलब टेक्निकल से दिया था उसमें क्या पूछा गया था, हमसे क्या पूछा जाएगा। तो भाइयों, सारी चीज़ें मैं आप लोग को भी क्लियर करूँगा वीडियो में, ठीक है। वीडियो पे सिर्फ आज रेडियो ऑपरेटर और लाइनमैन वालों का ट्रेड टेस्ट के ऊपर वीडियो रहेगी। पहले ही बताता हूँ जिन भाइयों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन ही आप लोगों का जो बेस रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। यहीं से आप लोग के ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे, 110% यहीं से क्वेश्चन होंगे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते दोस्तों क्वेश्चन की, क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों से और इस पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर दोस्तों आप लोग खुद भी इसे गूगल करके जान जाओगे, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आप लोगों को गूगल करने पे नहीं मिलने वाला। आराम से आप लोग जो क्वेश्चन, सिर्फ दोस्तों आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। आंसर तो आप लोग कहीं ना कहीं से खोज ही लोगे। अगर आप आंसर्स के लिए भी बोलोगे तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो आंसर के लिए बना दूँ। मैंने आंसर की वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाई क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग स्किप कर डालते हो, ठीक है, इसलिए मैंने एक छोटी वीडियो बनाई है इसके लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप लोग का जो रेडियो ऑपरेटर अलाइनमेंट में आप लोग का इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में आप लोगों से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग को डेफिनेशन में उन लोग का आंसर देना है, ठीक है, और इंग्लिश होगा या हिंदी में होगा, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, ठीक है, इसमें आप लोग को डाउट बिल्कुल नहीं रहना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग का होगा, व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर और लाइनमैन से हैं दोनों के लिए मैं बता देता हूँ, दोनों का इंटरव्यू एक जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों का अलग अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का सेम होगा, ठीक है। आपको पता है कि इनके लिए ट्वेल्थ में PCM चाहिए या फिर आप लोग का ITI चाहिए 2 ईयर का। तो आपको पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आप लोगों का व्हाट इज़ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब जो कहते हैं हिंदी में क्या होता है, तो भाई हिंदी वालों के लिए भी मैंने बहुत मेहनत करी है इसमें, अर्धचालक पदार्थ के बारे में बताएं, ठीक है। तो आप लोग को इसको पूरा डिफाइन करना है, डेफिनेशन इसकी देनी होगी, ठीक है। पूरा आंसर देना, आधा अधूरा आंसर बिल्कुल भी मत देना भाई, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के आधा अधूरा आंसर देते हैं, सही होते हुए भी गलत बोल के फेल होते हैं, तो पूरा डेफिनेशन देना। सेकेंड क्वेश्चन बताता हूँ मैं, व्हाट इज़ अ सिग्नल फ्रिक्वेंसी। अब रेडियो ऑपरेटर में हैं आप लोग तो सिग्नल फ्रिक्वेंसी के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। हिंदी में बात करें तो आवृत्ति हर्ट्ज, ठीक है, ये कितनी होती है, ठीक है, इसमें जो नॉइज़ होता है वो कितने डेसिबल में इसकी मेजरिंग होती है। देखिए थोड़ा टेक्निकल आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, अगर आप टेक्निकल ट्रेड में डाल रहे हो तो टेक्निकल थोड़ा बनना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो कितने डेसिबल में इसकी मतलब इसकी जो साउंड होती है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्ड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर हम लोगों से जो कि बंदे टेक्निकल ट्रेड में थे, कि बैटरी और सेल में हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला था कि बैटरी में और सेल में क्या फ़र्क होता है, तो वो तो रही दूसरी बात। यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि व्हाट इज़ अ बैटरी, बैटरी क्या होती है, विद्युत कोश हिंदी में बात करें तो। यहाँ पे आपको पूरा बैटरी को डिफाइन करना होगा, ठीक है। जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है, उसको हम बैटरी बोलते हैं, और बैटरी असल में है क्या, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों वो अब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ऑन कर दूंगा, आप मेरे से भी वहाँ पे पढ़ सकते हो, मैं अभी आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा हेल्प कर दूंगा। व्हाट इज़ अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग क्या है, ठीक है, लीकेज ऑफ करंट को रोकने के लिए, और हिंदी में बात करें तो भूमपकरण, ये हिंदी वालों के लिए भैया बहुत आसान होगा, जो भी है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे डिफाइन रेसिस्टेंस, अब रेसिस्टेंट मतलब हिंदी में प्रतिरोधक को डिफाइन करना है कि प्रतिरोधक क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इसका आप लोग को एक एग्जांपल भी पूछा जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करें, छठे क्वेश्चन में आपका आएगा दोस्तों व्हाट इज़ डायोड, ठीक है, वर्क ऑफ डायोड। सबसे पहले बता दूं, वर्क और मैकेनिज्म हिंदी में बात करें तो कार्य और उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से काम करता है वो, ठीक है। तो आपको डायोड और ट्रांजिस्टर का जो है आपको मैकेनिज्म और वर्क पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर और डायोड क्या काम करते हैं, ठीक है। हिंदी में दोस्तों इसे डायोड और ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं। अब दोस्तों सेवन्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप लोग के लिए मैं फ्री में लाया हूँ ये, हालांकि मैंने सोचा था इसको पेड कोर्स में डालूंगा, लेकिन पेड कोर्स में 13-14 बच्चों ने इसे परचेज़ किया है, बाकी तो आप लोग कह ही रहे थे कि सर आपने मतलब पेड कोर्स वालों का इस बार सिलेक्शन करवाना है, हम फ्री वालों का क्या होगा, और आप तो ऐसे कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना यार, अच्छा नहीं लगता कि आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पेड कोर्स वाले जो भी हैं मैं उनके लिए अलग से कुछ करूँगा, आपके लिए भी ये ज़रूरी है। अब आते हैं दोस्तों व्हाट इज़ अ डायनेमो, तो डायनेमो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक मशीन है, इसको आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, क्यों हम इसको लगाते हैं और इसको कहाँ पर हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब आते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे मेन क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों वो यही था, व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा क्या होती है, इसका आवेश कितना होता है, इसकी कार्य क्षमता कितनी होती है, कितने वाट्स में होता है, हमारे घर में जो बिजली आती है वो कितने वाट्स की होती है, ट्रांसफार्मर में कितने वाट्स की बिजली सप्लाई होती है, ये आपको पूरा इसका जो कहते हैं ना इसको पूरा महाभारत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में आप फिर आपके आगे हम बात करते हैं कि दोस्तों फिर आप सबसे मेन क्वेश्चन दोस्तों व्हाट इज़ अ इन्वर्टर। इन्वर्टर का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्वर्टर का दोस्तों काम क्या होता है, ठीक है। सबको पता है दोस्तों इन्वर्टर का क्या काम होता है, लेकिन दोस्तों इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। मैकेनिज्म दोस्तों सिर्फ एक ही वर्ड में डिफाइन होता है, डीसी टू एसी, ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में करता है, ठीक है। मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट दोस्तों कोई दुनिया में कोई पास नहीं करवा सकता सिवाय आपके, आपको अपने दिमाग से पढ़ना है और आपको इंटरव्यू में खुद जवाब देना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो व्हाट इज सप्लाई, तो दोस्तों सप्लाई किसे बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो आपूर्ति करना क्या होता है ये, ठीक है, ये आपको पूरा बताना है वहाँ पे। अब दोस्तों दो क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पिछले साल पूछे गए थे, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था डीसी मोटर का वर्क आपको बताना है, डीसी मोटर का क्या वर्क होता है, और दूसरा दोस्तों ओम्स लॉ, ओम्स का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए। हमने सबने पढ़ा है कि 10th और 12th में पढ़ा था हमने ओम्स का क्या लॉ होता है, ठीक है, और किस में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ द चेंज ओवर बोर्ड, चेंज ओवर बोर्ड जो भी मेरे भाई लाइनमैन फील्ड वाले हैं तो खासकर वो चेंज ओवर बोर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लें, और आप लोग थोड़ा डायग्राम भी देख लेना, मैंने डायग्राम आपको शेयर किया था कि डायोड किसे बोलते हैं, ट्रांजिस्टर किसे बोलते हैं, ठीक है। और रेडियो का मैंने एक वायरलेस आपको वॉकी टॉकी का भी एक डायग्राम दिया था, वो भी आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। उसमें आपका इंडिकेटर, फ्लैश लाइट और जो पावर बटन वो कहाँ पे होता है, एंटीना का क्या वर्क होता है, ये सब आप लोग देख लेना। आगे अगर आप भी और भी ज़्यादा अगर कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर एक और अच्छी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, फुल्ली ट्रेड टेस्ट के ऊपर। लगभग दोस्तों मैं आपको उसमें 50 to 60 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, वो क्वेश्चन दोस्तों हमारा फाइनल होगा, इससे ऊपर कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये वीडियो तभी बनेगी जब आप इस वीडियो पे 100 कमेंट से ऊपर डालोगे, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, वीडियो लाइक करना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।